मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 संस्कृत ग्रामर चल रही थी। चैप्टर नंबर आपको 6 या 7 चल रहा था, संधि। ठीक है, संधि पे पार्ट 2 पे चले गए। पार्ट 2 का वीडियो है ये, हल संधि मींस व्यंजन। व्यंजन वर्ण का किसी स्वर या व्यंजन के साथ, ठीक है, मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन कहलाता है। व्यंजन के भेद होते हैं, मूनुस्वार है, अनुस्वार संधि, णत्व संधि, झलाम जसवंती, तोरली और रोरी। ठीक है, ये चीजें मूनुस्वार है, जैसे फर्स्ट है माको अनुस्वार। कोई भी शब्द आपको दिखे, हरिम बंदे, ठीक है, इसमें ये जो चीज है ये हट करके और बिंदी बन जाएगी। ठीक है, हरिम बंदे हो गया, हरिम बंदे। ग्रहम गक्षति माँ हट गया, बिंदी होगी ग्रहम गक्षति। गुरुम नमति हट गया, गुरुम नमति। ठीक है, सो ये आपका मूनुस्वार का सीधा सा है कि हट करके माँ की जगह बिंदी आ जाती, अनुस्वार आ जाता है। फिर सेकेंड है णत्व, णत्व संधि है, इसमें ना हो जाता, राम धन अयनम तो रामायनम। ठीक है, कृष्ण धन ना कृष्णा, परिधन माना परिमाण, ना को ना हो जाता है णत्व से। झलाम जसवंती देख लें, झलों को जस होता है। ठीक है, इसका चौथा पांचवा ग्यारह लावा हो तो प्रथम अंतिम वर्ण को उसी का तीसरा हो जाता है, जलाम जसवंती में तीसरा हो जाता है। जैसे दिग धन गजा, का को तीसरा हो जाएगा गा, दिग गजा। वाकदानम वाकदानम, सद्धर्म सद्धर्म, षट दर्शनम षट दर्शन, चितानंद चिदानंद, अजंता अजंता, जगदीशा जगदीशा। फिर फोर है तुवरली, ता के स्थान पर ला होता है, तावर्ण से लकारे परे परसवर्ण। ठीक है, ता के स्थान पर ला पर होता है, जैसे है तत धन लीन, तापे हो जाएगा क्या ला, तल लीन। उत धन लेख उल्लेखो, तत धन लाया तल लाया, उत धन लिखित उल्लिखित। फिर इसके नीचे है फिफ्थ नंबर, ठीक है, रो री, रा पूर्वस रेफस लोप दीर्घ स्वर्तम च। ठीक है, रा पूर्व दीर्घ हो जाता है, ला लोप हो जाता है। इसे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल है जैसे कुछ पुनर्धन राजते, पुनर राजते रा का लोप हो गया, निराहस रसा नीरस, हरि रक्षति हरि प्लस रक्षति रा हट गया। ठीक है, व्यंजन के कुछ एग्जांपल्स हैं, तत्रसम जैसे तद्दृशम, अपत्यम पश्यति अपत्यम पश्यति, असत भी असत भी, सम्यक अनुतिष्ठति सम्यक अनुतिष्ठति, तद भविष्यामि तावत भविष्यामि, तत उपेद उपदेशात तदुपदेशात। सहजी आपके चलेंगे, इसके बाद है इसी पे अपन विसर्ग संधि। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज अपन चलेंगे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि पढ़ेंगे। प्रथम पद के अंतिम विसर्ग के बाद कोई अन्य वर्ण आने पर विसर्ग संधि होती है, जैसे बाला अस्ति, बाला में विसर्ग है तो ये हो गया विसर्ग संधि। बाल उस्ती विसर्ग है उत्व रत्व विसर्ग और सत्व। ठीक है, ये चार पॉइंट है। उत्व संधि है उ हो जाता है, शिव धन अर्चा शिवोर्च्य। ठीक है, आ ओ उ ओ को फिर ओ शिवोर्च्य। साधनापि सोपी नृपस्ति नृपोस्ति छात्रयम छात्रोयम। इसके बाद हसी च, यद अर्थात हस परे रहने पर भी रू को उ हो जाता, विसर्ग को उ हो जाता है। तात्पर्य कि हस वर्गों की तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण तथा यार अलावा परे रहने पर भी विसर्ग को उ हो जाता है। छात्र हसति छात्रो हसती। ठीक, आऊ का ओ, मृग धावती मृगो धावती, कृष्ण जयति कृष्णो जयति। कुछ अन्य एग्जांपल्स हैं, मयूर नृत्यति मयूरो नृत्यति, वृक्ष वर्धते वृक्षो वर्धते। फिर है इसी पे रत्व सत्व ससोरु से, ठीक है, साको रू होता है, राको विसर्ग। गो अयम गौरयम, शिशु हसति शिशुर हसति, रवि उदेति रवि उदेति, सा को रा हो जाता है। विसर्ग लोप, इसमें से कुछ विसर्ग लोप हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एशा विष्णु है तो केवल एश विष्णु बचा, देवा गक्षति देव गक्षति, सा पठति सपठति, ऋषभा यजन्ते ऋषभ यजन्ते। ठीक है, फिर है सत्व विसर्जनीय, ससा विसर्ग को सा हो जाता, नमः कारा नमस्कार, रामः चलति रामस चलति, धनु टंकार धनुष्टंकार, नमः ते नमस्ते। ठीक है, वाशरी वाशरी में शाशा से कहते विसर्ग को सा हो जाता है, रामः तरति रामस्तरति।
तिरहकार तिरस्कार, रामा ठाकुर रामस ठाकुर, ईशा धर्म ईशा धर्म। सो ये आपका विसर्ग का संधि हो गई। तो आपकी संधि यहाँ पर कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।